हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूरज कुमार तिवारी फ्रॉम कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोन कैलकुलेट करने वाला एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं एमएस एक्सेस के ऊपर। जी हां दोस्तों, एमएस एक्सेल पर तो आपने बनाया होगा लेकिन एमएस एक्सेस पर नहीं बनाया होगा, तो चलिए इसी की बात करेंगे। और अपना एमएस एक्सेल का 2007 वर्जन मैं ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास यही है, आपके पास जो भी हो इसी तरह से आप ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ एक ब्लैंक डेटाबेस चूज करके यहाँ तक आ जाइएगा, फिर व्यू पे क्लिक कीजिएगा और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ कुछ नाम दे दूंगा मैं, ठीक है, और एंटर करूँगा तो यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस आएगा। ये चाबी जो है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर एक चाबी सी दिख रही है आपको, ये आपको, तो ये चाबी जो है प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की एक यूनिक की होती है। यहाँ पर हम आईडी के बजाय क्या दे देंगे, लोन आईडी दे देंगे, ठीक है, LOAN लोन आईडी, ठीक है। तो लोन आईडी देने के बाद अब हमें क्या देना है, यहां पर देना है अमाउंट ऑफ लोन, AMOUNT अमाउंट ऑफ लोन देना है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ लोन देने के बाद हमें क्या देना है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहां पे दे दिया हमने अमाउंट ऑफ लोन। और फिर यहां पर हम करेंसी रखेंगे डेटा टाइप, यहां पे क्लिक करिए, यहां पे करेंसी कर दीजिए और करेंसी करने के बाद इंटरेस्ट रेट यहां देना है, सॉरी INTEREST इंटरेस्ट रेट, RATE, ठीक है, इंटरेस्ट रेट दे दिया हमने। और यहाँ पर भी नंबर डेटा टाइप रखेंगे, ठीक है। और नंबर डेटा टाइप रखने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्या देंगे हम, यहाँ पर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट को हमने नंबर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने इंटरेस्ट रेट को रखा है नंबर, ठीक है, लेकिन इसमें एक चेंज हमें और भी करना होगा। क्या चेंज करना होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम चाहते हैं कि परसेंट में लिखा हुआ है, कैसे आए, परसेंट में आए, तो परसेंट में कैसे आएगा, तो परसेंट में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये है, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट और यहां करना पड़ेगा डबल, ठीक है, और यहां फॉर्मेट में लिख देना होगा परसेंट, ठीक है, PERCENT परसेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, YEARS नंबर ऑफ ईयर्स लिख दिया हमने। यहाँ भी करेंसी रखेंगे नंबर, ठीक है, ऊपर करेंसी है, यहाँ नंबर, बाकी सब नंबर है, पहला ऑटो नंबर है। अब हमें क्या करना है, व्यू पे जा करके और यहाँ सॉरी डाटा शीट व्यू पे क्लिक करना है, इसको सेव कर लेना है। जैसे ही सेव करेंगे ये हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ी साइज में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ठीक प्रकार से दिखाई दे। यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको सही कर लीजिए आप, ये यहाँ से सही कर लीजिए और इसको यहाँ से सही कर लीजिए। तो अभी लोन आईडी अपने आप देगा, अमाउंट ऑफ लोन हमें डालना है, जैसे मान लीजिए 6 लाख का लोन है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट है 6%, ठीक है, और नंबर ऑफ इयर्स है 4, ठीक है। अभी हमें कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करें, क्रिएट पर जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन पर जाएंगे, इसको ऐड कराएंगे और यहाँ पर आकर के एक एक को यहाँ पर इंसर्ट कराते चलेंगे। ये यहाँ तक हम इंसर्ट करा चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है लोन। लोन के लिए हमें वो सारी चीज़ें लगानी होंगी जो लोन के लिए हमें लगानी चाहिए। कैसे लोन कैलकुलेट करके ये हमें देगा, वो सारे काम हमको यहाँ पे करने हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मंथली पेमेंट, चूँकि हमको मंथली देना होगा ये पेमेंट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मंथली पेमेंट, ठीक है। मंथली पेमेंट लिखने के बाद यहाँ कोलन लगा दीजिए आप, कोलन जो दो बिंदु का निशान होता है, जो दो पॉइंट का निशान होता है, उसे हम कोलन कहते हैं। कोलन लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है पीएमटी का, जैसे आप एक्सेल में लगाते हो पीएमटी का फॉर्मूला, वैसे ही यहाँ भी पीएमटी का फॉर्मूला हमें लगाना है। और यहाँ बना लेना है स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ लिखना है नंबर ऑफ ईयर्स, मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ ईयर्स, YEARS, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स देने के बाद, नंबर ऑफ ईयर्स तो हमने दे दिया, नंबर ऑफ ईयर्स के बजाय यहाँ लिखना होगा इंटरेस्ट रेट, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं देंगे, यहाँ पे पीएमटी का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे लिखना है हमें इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, RATE, ठीक है।
इंटरेस्ट रेट लिख दिया हमने, और इसके बाद इस स्क्वायर ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिए और कॉमा दीजिए, ठीक है, कॉमा नहीं देंगे, अपॉन 12 करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको 12 से हम डिवाइड करेंगे तभी तो एक महीने का निकलेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे फिर से और लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, आप नंबर ऑफ ईयर्स कर दीजिए, और नंबर ऑफ ईयर्स करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट को आपको फिर से बंद करना पड़ेगा, तो यहाँ बंद कर दीजिए आप, और इनटू का लगाइए निशान, 8 नंबर अल्फाबेटिक बटन पे इनटू का निशान मिलेगा, और 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, केस वही है कि 12 महीने होते हैं एक साल में, इसी वजह से यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमा दीजिए, और अमाउंट ऑफ लोन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, AMOUNT अमाउंट ऑफ लोन, LOAN, इतना करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कीजिए, और जो स्मॉल ब्रैकेट आपने शुरू में बनाया था उसको भी बंद कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रन पे क्लिक करना है विदाउट एन ऑपरेटर, यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक होता नजर आ रहा है, देखते हैं, यहाँ पे देखिए कॉमा छूट गया है, तो यहाँ कॉमा दे देंगे, ठीक है। अब इसको रन करवाता हूँ, तो ये रन हो चुका है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े, यहाँ इंटरेस्ट रेट और ये मंथली पेमेंट, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोन कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं, ये चूंकि हमने लोन आईडी जो है ऑटोमेटिक नंबर रखा है, नंबर ऑटोमेटिक आएगा ये, अब लोन हमें अमाउंट टाइप करना है, जैसे मान लीजिए 5 लाख का लोन है, 5 लाख हो गया, 5 लाख, अब यहाँ पर जब आएंगे इंटरेस्ट रेट कितना है इस पे, 6% का इंटरेस्ट रेट है, तो परसेंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो वहां पर जो हमने परसेंट लिखा था उसका यही मतलब है, यहाँ पर आपको परसेंट देखने को मिल जाएगा अगर आप वहां पे परसेंट देंगे, ठीक है, वहां पे जाकर के जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया था डिजाइन व्यू में जाकर के नीचे जो हम लोग परसेंट देते थे फॉर्मेट में हमने जो परसेंट दिया था उसका मतलब यही है, यहाँ पे हमने परसेंट दे दिया तो यहाँ परसेंट लिखा हुआ आ गया। अब नंबर ऑफ इयर्स, जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए लोन लिया, तो यहाँ पे अब देखिए मंथली पेमेंट जो है यहाँ पे शो कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब ये माइनस में क्यों आ रही है, चूंकि हमें ये देना है इसी वजह से ये माइनस में आता है, इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके या फिर यहाँ पे डिजाइन व्यू पे क्लिक करके, और यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं डेसिमल प्लेसेस दिया हुआ है और ये फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट पे जा करके आप इसे बना दीजिए करेंसी, ठीक है, और जैसे ही करेंसी बनाएंगे और इसको रन कराएंगे तो अब ये डॉलर में आएगा, देख सकते हैं आप, ये मंथली पेमेंट है 966.64 रुपये, ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए अब कोई और अमाउंट देते हैं, जैसे मान लीजिए 6 लाख देते हैं, तो यहाँ पे 6 लाख के हिसाब से आ जाएगा, देखिए 6 लाख हो गया, और ये यहाँ पे जो अमाउंट है वो 5.3% के हिसाब से है, तो यहाँ पे आ गया। अब कितने दिनों के लिए लिया, जैसे मान लीजिए 2 साल के लिए है, तो 2 साल के लिए कितना आया, इतना आया, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको भी वही काम करेंगे हम, ठीक है, व्यू में जाके डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पर फॉर्मेट जो है करेंसी हम बना देंगे, ठीक है, जैसे ही इसको हम करेंसी बनाएंगे तो यहाँ पर अब जब रन कराएंगे तो ये भी उसी फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोन कैलकुलेट करने वाला कैलकुलेटर बना सकते हैं, इसको मैं थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है, और अब देखिए अब एक और अमाउंट में यहाँ पे डाल करके आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, और आई होप कि एक्सेस पे काम करना इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए काफ़ी इजी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि किस प्रकार से आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर पा रहे हैं एमएस एक्सेस में, ठीक है। तो ये 1.5 ईयर का है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये अमाउंट आएगा, और फिर वही काम कि व्यू में जा करके डिज़ाइन व्यू में हमें यहाँ पे इसको करेंसी करना होगा, हालांकि पहले से करेंसी दिया हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ जाकर रन करवाइएगा तो ये इस प्रकार से अमाउंट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे देखिए एक और अमाउंट यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ, ठीक है, अब इस पे जो है हमें लोन मिल रहा है 3% के हिसाब से, और मैं लोन ले रहा हूँ 1 साल के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं कितना लोन ले रहा हूँ 1 ईयर्स के लिए, ठीक है,
ये देखिए यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे मैंने 1.5 ईयर लिखा तो ये डेसिमल प्लेसेस सपोर्ट नहीं करेगा। इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो में बना के डालूंगा कि डेसिमल प्लेसेस इसमें कैसे सपोर्ट करेगा, नंबर में डेसिमल प्लेसेस कैसे सपोर्ट करेगा वो मैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर मैं 1.5 लिख दूँ, ठीक है देखिएगा आप 1.5, ठीक है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा अपने आप ये, ठीक है 1.5 ईयर का नहीं सपोर्ट करेगा इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और डेसिमल प्लेसेस को लेकर के कैसे बनाना है, हालांकि लगभग लगभग ये कैलकुलेटर आपने बनाना सीख लिया है, केवल एक इसमें दिक्कत है कि डेसिमल प्लेसेस को हम कैसे इसमें इंक्लूड करें वो इसमें नहीं हो पा रहा है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में कि किस प्रकार से हम डेसिमल प्लेसेस को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी आपको, और अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर भी करें इस वीडियो को ताकि सब तक ये जानकारी फ्री में पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।